इनसे सवाल करो कि तुमने मुसलमान का नाम नहीं लिया पार्लियामेंट में। ये कांग्रेसी ऐसे हैं, समाजवादी, लालू की पार्टी, अरे तुम लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से डरते पार्लियामेंट में। मैंने खड़े होकर कहा कि मुसलमान खवातीन को, ओबीसी खवातीन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम खवातीन के खिलाफ नहीं हैं। हम कैसे खवातीन के खिलाफ हो सकते हैं? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी हम उनकी उम्मत हैं, आखा ने फरमाया कि मां के पैरों के नीचे जन्नत है। आखा ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो घर वालों से अच्छा है। हम कैसे अपनी खवातीन के खिलाफ हो सकते हैं? ये लोग नहीं, आप खवातीन के खिलाफ है। अरे तुम खवातीन के खिलाफ भी हो और मुसलमानों के भी खिलाफ हो। तुम ओबीसी के भी खिलाफ हो, तुम मुसलमानों के भी खिलाफ हो। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं, हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों, यहां हैदराबाद को आओ। दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, लाओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, अरे बात क्यों करते हो? आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ एक शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। जिसने एक मुसलमान एमपी को, जिसने एक मुसलमान एमपी को अनाप शनाप बका पार्लियामेंट में, मेरे सामने भी खड़ा हुआ था, मैंने कहा बैठ बैठ जा, मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे, मैं तैयार हूं, मगर मैं तेलंगाना की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि याद रखो, सरजमीन हैदराबाद पर फसादात कांग्रेस की देन है। सरजमीन हैदराबाद पर मासूमों का लूट जाना, पिट जाना कांग्रेस की देन है। हमने बड़ी मुश्किलों से अमन को मजबूत किया है, इस अमन को मजबूत रखिए और यकीनन बहुत से काम करवाना बाकी है। हम काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, मगर मस्जिद तामीर हुई, बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हुई। मस्जिद तामीर नहीं हुई। बताओ कांग्रेसियों, नरसिम्हा राव तुम्हारा पप्पा था या नहीं था, बताओ। और हमसे कहते हैं ये बीजेपी के लोग के पार्लियामेंट में मजलिस के दो एमपीज ने खवातीन के रिजर्वेशन के खिलाफ वोट दिया, मगर मैं और इम्तियाज जलील ने हमने पूरी पार्लियामेंट को हिला के रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 450 वोट पड़े खवातीन के तहफुजात के लिए, दो खिलाफ में पड़े, दो। स्पीकर साहब ने कहा ओवैसी साहब आप दो हैं, आपके साथ कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह का हबीब है, हमारे साथ अहले दिल की दुआएं हैं। और ये बोलते हैं मैंने बता दिया कि महिला खवातीन का रिजर्वेशन अगर होगा तो मुसलमानों को भी खवातीन को मिलना चाहिए। From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.